दोस्तों अयोध्या मामले के फैसले के मद्देनजर पूरा देश सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट और देशवासियों से अपील बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हां दोस्तों, अयोध्या मामला आज आने वाला है, उसके पहले नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके क्या कहा है इस बारे में हम जानेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि पूरे देशवासियों को शांति, एकता और सद्भावना को बनाए रखना है, फैसला चाहे जो भी हो। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो किसी की हार या जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने देशवासियों से कहा है कि जो कोई भी फैसला हो हमें शांति बनाए रखनी है। दूसरे उन्होंने ट्वीट में कहा है कि देश की न्यायपालिका के मान सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए वे स्वागत योग्य है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये वही देश है जहाँ राम और रहीम एक ही बात है। हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, हमें सेक्युलरिज्म को फॉलो करना है, यही इनडायरेक्टली मोदी जी का कहना था। इसी तरह की और न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद।